टीकमगढ़ जिले में बीते दिन कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कोरोना काल के समय अपनी जान की परवाह न करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वालों का सम्मान किया, जिसको लेकर डॉक्टरों एवं सफाई कर्मचारियों के सराहनीय कार्य के लिए टीकमगढ़ जिले की जनता ने शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के निजी गार्डन में किया गया। गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी दो दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपने अपना दर्द एक छका था, जो मतलब एक अपने परिवार के तौर पर आपने टीकमगढ़ को देखा है, उस हिसाब से आपने अपना दर्द एक महसूस लोगों ने किया था। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों की सोच के बारे में और जनता जनार्दन के बारे में, जिन्होंने आपके प्रति एक स्नेह रखा? सबसे पहले तो मैं टीकमगढ़ की जनता को सादा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के टाइम पर और अभी वैक्सीनेशन महाअभियान में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली और हम लोगों की सहायता की। चिकित्सा विभाग रहा हो, पुलिस विभाग रहा हो, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया रहा हो, सबका योगदान अतुलनीय रहा है पूरे कोविड के टाइम पर भी और वैक्सीनेशन महाअभियान में भी। दो दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था उससे थोड़ा आहत था, लेकिन मैं जब समझा कि इसमें कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको कई बार प्रशासन भी नहीं समझ पाता, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन की कोई गलती है, प्रशासन हमेशा अपना बेस्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप्स आ जाते हैं जिनसे वो चीज़ शायद प्रशासन भूल गया हो। तो इसमें बस मैं यही कहूँगा कि मेरा मनोबल कहीं कम नहीं हुआ था सम्मानित नहीं होने से अभी 26 जनवरी को। अब तो मैं ये कहूँगा कि और बढ़ चढ़ के जो मेरा 99% था उसको मैं 100% लगा करके और मानव सेवा इसी प्रकार से करता रहूँगा, अपनी चिकित्सीय सेवाएं देता रहूँगा और जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे हमेशा जो भी चीज़ें नहीं बनेंगी उनसे एडवाइस लेकर के मानवता के पथ पे अग्रसर रहूँगा। इसमें मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोगों का और हमारी जो जनता है टीकमगढ़ की, हम लोगों का सपोर्ट करती रहे और ऐसे ही हम लोगों को मानसिक रूप से उत्साहवर्धन देती रहे। मान हुआ है डायमंड पैलेस में कोरोना योद्धाओं का, क्या सोचकर आपने यहाँ ये निर्णय लिया है कोरोना योद्धाओं का सम्मान के लिए? डॉक्टर्स भी आए हैं, इसमें दो दिन पहले एक वायरल हुआ था डॉक्टर अनुज का, जिन्होंने कि प्रशासन ने उनके साथ अनदेखी करी, क्या माने कि उसको देखते हुए उनका दर्द छुपाने की आपने मरण लाने का प्रयास किया है या यहाँ के लोगों को सचेत किया है कि इनका सम्मान होना जरूरी था? देखिए, कोरोना की जो बीमारी आई, इस बीमारी ने अपने परायों का भेद हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। ऐसे समय में जब अपने लोगों ने भी अपने लोगों का साथ छोड़ दिया, ऐसे बीमारी के समय में डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के साथ में जो उनके सहायक लोग थे, ये सब लोग एक भगवान बनकर और भगवान के अवतार के रूप में हम लोगों के साथ में खड़े रहे, लोगों का जीवन बचाने का इन लोगों ने काम किया और मानवीय मूल्यों को जितनी शिखर पर पहुंचाया है इन लोगों ने, ये सम्मान के काबिल थे। और पिछले दिनों जो चीज़ें जैसा आपने जिक्र किया कि वो सब मीडिया में आया, कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित जो लोग रहे उनका दर्द वहाँ छलका और वही एक कारण था कि हम लोगों को भी लगा कि ऐसे लोगों का जो नैतिक बल है, जो हौसला है और मानवता के प्रति समर्पित होने की जो जज्बा है उन लोगों का, वो कहीं कम ना हो, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि अब जनता की ओर से इन लोगों का सम्मान हम करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी संस्था का नहीं, ये पूरी तरह जनता का कार्यक्रम था और जनता ने हमारे वीरों का, जो रियल हीरो इनको कहें या रियल डायमंड कहें इनको, इन सब लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया ताकि इन लोगों की प्रेरणा से और भी लोग आगे आएं और समाज के लिए जो बन पड़े वो कार्य करें, समाज का हित हो, देश का हित हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।